हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। 22 सितंबर को हो सकता है चंद्रमा पर अगला सूर्योदय। खबर है कि इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसरो ने आगे कहा कि चंद्रमा पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर 2023 को होने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने बताया था कि प्रज्ञान चंद्रमा पर 100 मीटर की दूरी तय कर चुका है। अधीर रंजन चौधरी ने एक देश एक चुनाव के लिए बनी समिति का सदस्य बनने से किया इनकार। खबर है कि कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक देश एक चुनाव के लिए सरकार द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मुझे इस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है। भारत पाकिस्तान मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। एशिया कप 2023 के सुपर 4 चरण में पहुंचा पाकिस्तान। खबर है कि एशिया कप 2023 के ग्रुप ए में भारत पाकिस्तान मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और दोनों टीमों को एक एक अंक मिले हैं। बारिश से बाधित मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 266 रन बनाए और इसके साथ ही पाकिस्तान 2 मैचों में 3 अंक के साथ टूर्नामेंट के सुपर 4 में पहुंच गया है। बता दें कि भारत का अगला मैच सोमवार को नेपाल से होगा। G20 पर LG द्वारा दिल्ली सरकार की आलोचना करने पर CM केजरीवाल ने कहा, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के दिल्ली सरकार ने 9 वर्षों में काम किया होता तो G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में कम प्रयास करने पड़ते वाले बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, हमें दोषारोपण का खेल नहीं खेलना चाहिए। TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, इंडिया अगर सत्ता में आई तो LPG सिलेंडर 500 रुपए किया जाएगा सस्ता। तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो LPG सिलेंडर 500 रुपए किया सस्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धूपगुड़ी के उपचुनाव में अगर TMC जीती तो 31 दिसंबर तक क्षेत्र को अलग उपमंडल घोषित किया जाएगा। बता दें कि धूपगुड़ी में 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। बिहार के छात्रों के लिए नया फरमान, इन छात्रों का होगा नामांकन रद्द। KK पाठक ने नया फरमान जारी किया है। KK पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूलों से लगातार 15 दिनों तक गायब रहने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि ऐसे बच्चों का नामांकन रद्द होने से सरकार को कम से कम 300 करोड़ रुपए का फायदा होगा। पाठक ने कहा कि स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है लेकिन अभी भी 10% ऐसे स्कूल हैं जहां उपस्थिति दर 50% से कम है। एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति के सदस्यों की सूची आई सामने। खबर है कि सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका चेयरमैन बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिंह, गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप, हरीश सालवे और संजय कोठारी को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।